बहुत फेमस है। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत मॉइस्ट और बहुत मज़ेदार किस्म के बंस बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आप अपनी शाम की चाय के साथ या सुबह भी आप ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। इसके अंदर बटर का सेंटर आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार होता है। इसको ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने यीस्ट को राइज करना है। उसके लिए आपने लेना है गर्म दूध। नीम गर्म दूध आपका होना चाहिए। आपके ठंडे दूध में आपकी सही तरीके से यीस्ट जो है वो काम नहीं करेगी। उसके अंदर आपने ऐड करना है 1/2 टीस्पून चीनी का यानी शुगर, और साथ आपने ऐड करना है 1 टीस्पून यीस्ट का। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके राइज होने के लिए रख देना है। शुगर आपके यीस्ट को राइज करने में हेल्प करती है। आपका दूध नीम गर्म होगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगी। आपने मिल्क जो है वो 1/4 कप लेना है, यानी 75 ग्राम्स आपने मिल्क लेना है। जब आपकी यीस्ट राइज हो जाए उसके बाद आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। मैं आपको ग्राम्स के अंदर और कप्स के अंदर ये मेजरमेंट सारी अवेलेबल कर दूंगी। इसके अंदर आपने लेना है 125 ग्राम्स के करीब ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, जो कि 1 कप बनता है। इसके अंदर आपका हाफ एग जाएगा। हाफ एग काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से करते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से अंडे को फेंट लेना है। आप इसको स्पून के साथ भी हाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंदाजे से हाफ करती हूँ। ये देखिए जिस तरह मैंने अभी हाफ डाला है, और मैंने एक स्पून आगे रख लिया है ताकि मेरा पूरा अंडा इसके अंदर ना चला जाए, और मैंने इसको हाफ इस तरीके से कर लिया। साथ आपने डालना है 1 पिंच नमक। उसके अंदर आपने डालनी है पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। और जो आपका यीस्ट का मिक्सचर आपने बनाया था मिल्क के साथ, आपने इसको ऐड कर लेना है, और आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। आपकी डो थोड़ी स्टिकी ही होगी, आपने इसको बिल्कुल भी सख्त नहीं करना। आपने इसको साथ साथ अपने आपने जब इसको नीट करते रहेंगे तो यह एक इवेंचुअली एक फॉर्म में बन जाएगी, लेकिन आपने इसके अंदर ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना। इस स्टेज के ऊपर अगर आपको लगे कि इसके अंदर मैदा ऐड करने की ज़रूरत है तो आपने 1 टीस्पून करके मैदा ऐड करना है। ये जो मैदा होगा ये 1 कप यानी 125 ग्राम्स के अलावा ये मैदा जा रहा है इसके अंदर। देखिए मैंने 1 टीस्पून करके ऐड किया। इस तरह करते हुए तकरीबन मेरे 2 to 3 टीस्पून जो है वो मैंने मैदा और ऐड किया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसको काउंटर पर मिक्स कर लें अपने, या कोई भी आपके पास जो सरफेस मौजूद है उसके ऊपर आप कर लें। उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें पहले। मैं भी इसको अपने काउंटर के ऊपर, अपनी शेल्फ़ के ऊपर मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। जिस तरीके से आटा गूंदते हैं आपने उस तरीके से इसको गूंदना है। ये फिर भी थोड़ी स्टिकी ही होगी, आपने बिल्कुल नहीं यह समझना कि ख़राब है या ऐसे नहीं बनेगा। इसको गूंदने के बाद जब ये स्टिकी होगी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होगी। देखें आप ऐसे ये आपके हाथों पर चिपकेगी। आपने इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है 15 ग्राम्स बटर यानी 2 टेबल स्पून जो है आपने बटर इसके अंदर ऐड करना है। फिर इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। इस टोटल प्रोसेस के अंदर आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे। डिफरेंट कैफ़ेज़ के अंदर बहुत फेमस पापड़ रोटी मिलती थी, और बहुत मज़ेदार किस्म के ये कॉफ़ी बंस होते हैं। इसके अंदर एक बटर का सेंटर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनता है। ये देखिए मेरे डो ऐसी आपकी बननी चाहिए। इसको आपने डो को अच्छी तरीके से एक बॉल की शेप दे के आपने इसको एक किसी बर्तन में रख देना है, और इसको आपने राइज होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। देखिए मेरी डो राइज हो गई है, ये मैं आपको 1.5 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। इसको आपने बाहर निकाल लेना है, और इसको फिर से आपने थोड़ा सा गूंदना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। फिर आपने इसके बाकी बॉल्स बनाने हैं। जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं आपकी कोशिश होती है कि आप पहले थोड़ी सी ट्राई कर लें ताकि वो अच्छी बन जाए, फिर आइंदा से इंसान दोबारा ज़्यादा रेसिपीज़ को ट्राई करें। इसलिए मैंने ये रेसिपी सिर्फ टोटल 4 बंस के लिए बनाई है, ताकि आप लोग पहले ट्राई कर लें और आपको पता चले कि ये कितनी मज़ेदार रेसिपी है। इस तरीके से आपने इसके डो के आपने हिस्से करने हैं। मैं आपको बताती हूँ टोटल आप 5 हिस्से करेंगे। 5 इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर बटर का सेंटर रखना है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है।
एक जैसे तक आपने इक्वल बॉल्स रखने हैं एक वेट के। आप इसको मैयर भी कर सकते हैं वेइंग स्केल के ऊपर, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि किसी एक में ज़्यादा है तो आप उसमें दूसरे में ट्रांसफ़र करके गोल बॉल्स बना लें। ये टोटल 4 बॉल्स मैंने बनाए हैं और 5वें बॉल को मैं इन 4 बॉल्स के आगे छोटे छोटे और बॉल्स बना के रखूँगी। इक्वल साइज के आपके होने चाहिए। अब ये जो 5वां बॉल था, इसके अंदर आपने ये देखें, इसको आपने बाकी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपने चारों के आगे एक एक छोटा बॉल रख लेना है और इसके अंदर ये मैंने फ्रोजन बटर लिया था। बटर के आपने क्यूब्स काट लेने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने हैं। ये तकरीबन 4 से 5 ग्राम का एक होगा, 1 टेबल स्पून के करीबन तक, 1 टीस्पून के करीब होगा ये। ये देख ले, मैं फिट करके पहले देखूंगी कौन सा इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इस तरीके से आपने इसको बटर को बंद कर लेना। मैंने इसको मैयर नहीं किया, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ हिसाब के, आप इसको 5 ग्राम्स के करीब तकरीबन मैयर करके डाल सकते हैं। इसको आपने बंद करके इसका स्क्वायर सा बना लेना आपने, और ये चारों के साथ आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये बनाने के बाद जो आपका जो गोल आपने एक पेड़ा टाइप सा, ये जो आपने बॉल बनाया था, आपने उसको लेना है। उसके सेंटर के अंदर आपने ये जो मक्खन का जो आपने स्क्वायर सा बनाया है, आपने इसके ऊपर वो ऐड करना है और साथ अपने इसको अच्छे तरीके से बंद करके इसका एक और गोल शेप बना लेनी है, यानी राउंड शेप इसकी बना लेनी है। एक बन की शक्ल आपने इसको दे देनी है। अपने हाथों से आप इसको सही तरीके से कर लें। चारों बंस को आपने इसी तरीके से बना लें। इसको बटर के सेंटर को मिडिल में रखें, आपने उसको अच्छे तरीके से कवर कर लें। ये किसी मैंने ट्रे के ऊपर, बेकिंग ट्रे के ऊपर आप रख लें इनको। मैंने इसके नीचे एक बटर पेपर रखा था ताकि जब मैं बेक करूँ तो मुझे इसको उतारने में आसानी हो। इसको रखने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको दोबारा राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पर रख लेना। मैं इसको अपने ओवन के अंदर ही रखूँगी। जब ये राइज हो रहा होगा तब आप उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग बना लें। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए आपको चाहिए 25 ग्राम बटर, यानी 2 टेबल स्पून के करीब बटर, सॉरी 3 टेबल स्पून के करीब बटर चाहिए आपको। इसको अपने अच्छे तरीके से हाथ से विस्क कर लेना है। इसको आप हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। चूँकि ये कॉफ़ी बन जाए इसलिए इसके अंदर कॉफ़ी जाएगी। कॉफ़ी पाउडर आपने लेना है 1.5 टीस्पून। उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून पानी। इसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करके फिर ये मैं मक्खन के अंदर ऐड करूँगी और उसको मिक्स करूँगी। ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, कॉफ़ी और पानी को मिक्स करने के बाद मैं इसको बटर के अंदर ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जो बाकी आधा अंडा मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले हाफ एग जो है वो बंस के अंदर डाला था, अब मैं जो बाकी हाफ एग था वो इस फ्रॉस्टिंग के अंदर डालूंगी। इससे ये होगा कि आपका अंडा ज़ाया भी नहीं होगा और आपकी फ्रॉस्टिंग भी बहुत मज़े की बन जाएगी। इसको डालने के बाद आपने मिक्स करना है। साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा। मैदा आपका तकरीबन जाएगा 25 ग्राम के करीब, जो कि आपका तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा। इसको डालना है। साथ आपने डाली है आइसिंग शुगर, और आपने आइसिंग शुगर लाजमी लेनी है, आपने पाउडर शुगर नहीं लेनी, यानी आपने चीनी नहीं पीसनी है, आपने आइसिंग शुगर लेनी है जो कि आपकी होगी 25 ग्राम 3 टेबल स्पून के इक्वल आइसिंग शुगर। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको पाइपिंग बैग में डालना है ताकि आपकी पाइपिंग आसानी से हो जाए। आप इसको केचप पाउडर में भी डाल सकते हैं, आप इसको चम्मच के साथ भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं पाइपिंग बैग मेरे लिए इजी है इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लेंगी, ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए, ना लिक्विड हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा सख्त हो। ग्लास के अंदर मैं पाइपिंग बैग एक फिट करूँगी, उसके अंदर मैं अपनी फ्रॉस्टिंग डाल लूँगी और मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लूँगी जब तक हमारे बंस राइज होते हैं, जिसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जब आपके बंस राइज हो जाएं, आपने उसके बाद जो है अपने ट्रे को ओपन से बाहर निकालना और आपने इसको इस स्टेज के ऊपर 170 के ऊपर प्री हीट करना है।
10 मिनट के लिए। जब आप 10 मिनट प्री हीट करेंगे उस दौरान आप ये फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। मेरी फ्रिज में फ्रॉस्टिंग पड़ी थी, आपने आगे से थोड़ा सा काट के इसको बंस के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना, या चम्मच के साथ भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। और आप परेशान ना हो अगर आपकी फ्रॉस्टिंग नीचे बैठती है या नीचे बहती है, ये आपकी फ्लेवर फिर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अक्सर ऐसा मौसम होता है पाकिस्तान में कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी फ्रॉस्टिंग जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, बट इट्स ओके कि आपकी जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है 170 पे, और साथ आप उसके ऊपर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी ऑप्शनल है। इसको काट के आपने देखना है इसके अंदर बटर का सेंटर होगा, ये आप येलो कलर का बटर का सेंटर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप इसके अंदर बाइट करेंगे ये बहुत मज़ेदार, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर इसको